मेरी खस्ता करारी कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। आप लोग बताइए आपको कैसी लगी, आप लोग एक बार बनाइए फिर ट्राई करिए। बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी रहती हैं, बिल्कुल खस्ता है और बहुत ही यम्मी है। तो प्लीज़ आप लोग जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल बटन के साथ, और जो पुराने व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग काफ़ी इंडियन ब्लॉगर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग, सुबह के बजे हैं 8 और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू और मटर की कचौड़ी, जो कि बहुत ही खस्ता करारी और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो आप लोग देखिए, मैं बना रही हूँ पालक की आलू और मटर की कचौड़ी। तो मैं क्या क्या मिलाती हूँ और कितना सामान इसमें कैसे बनाती हूँ तो मैं सब शेयर करूँगी आपके साथ ही। और आप लोग बताइए कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी, और आप भी बनाइए इस तरह, बहुत ही अच्छी लगेगी, सभी को बहुत पसंद आएंगी, खासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगी। तो आप लोग एक बार बनाइए ज़रूर, फिर बताइए कि आपको कैसी लगी कचौड़ी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ, बेल जरूर दबाइए। अब मैं दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं कि मैं क्या क्या सामान लेके बनाती हूँ। मैंने लिए हुए आलू, इन आलू को मैंने उबाल लिया है, और ये लिए मैंने हरी मिर्च, ये मटर, मटर भी मेरी उबली हुई है, और ये लिया है जीरा, ये सौंफ, ये मैदा है, और ये धनिया की पत्ती। एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, दो कटोरी आटा लूँगी गेहूँ का। ये लिया है मैंने हींग, और ये है नमक, ये अमचूर पाउडर, और ये लाल मिर्च, ये तलने के लिए और मोयन के लिए सरसों का तेल लिया। आप चाहे तो रिफाइंड में बना सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए और तैयारी कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी, एक बार ज़रूर बनाइए फिर बताइए। आलू और मटर की कचौड़ी। इन आलूओं को मैश कर ले रही हूँ ऐसे, जो मैंने उबाले हैं अच्छे से। अगर आपके पास मैसर है तो आप उसे मैश कर लीजिए, मैं तो इसी तरह से हाथ से मैश कर लूँगी सारे आलूओं को। मैंने सारे आलूओं को इस तरह से मैश कर लिया, करने के बाद मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च, और ये मटर रखी हुई है जो, इनको भी मैंने इस तरह से डाल दिया है ऐसे, ये हरी मिर्च, हरी मटर मेरी, इनको मैं ऐसे ऐसे करके, उबली हुई है बहुत ही नॉर्मली मैश हो जाती है ये भी, इस तरह से मैंने मैश कर लिया है। और अब मैं डालूँगी इसमें धनिया पत्ती, ये डालूँगी जीरा, और डालूंगी इसमें सौंफ, इसके बाद डालूंगी मैं थोड़ा सा हींग, ये इसके बाद डालूंगी मैं लाल मिर्च, अगर आप तीखा खाते हैं तो और ज़्यादा लगा दीजिए, मैं थोड़ा सा कम डालूंगी। और इसके बाद डालूंगी मैं आमचूर पाउडर। तो फ्रेंड्स, मैं नमक को सबसे बाद में मिलाऊंगी, जब बनाऊंगी तभी मिला लूँगी, अभी इन सारी चीज़ों को मैं मैश कर लूँगी। तो ये मैंने रेडी कर लिया है, और अब मैं लगा रही हूँ आटा, मोयन डाल के आटा गूंदूंगी, और फिर मैं इसके बाद बनाऊंगी कचौड़ियाँ। आटा, और मैंने दो कटोरी आटा लिया, एक कटोरी मिला रही है मैदा इसमें, इसके बाद मैं मिलाऊंगी ये तेल मोयन के लिए, थोड़ा 2 चम्मच के लगभग तेल डालूंगी।
और डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी और इसको मैं भून लूँगी। लाल भी निकल गया, फिर इसके बाद थोड़ा सा नमक डालूंगी हल्का सा, इसके बाद मैं सबको मिला लूँगी और फिर मैं आटा को भून लूँगी। इसे मैं आटा लगा लूँगी अपना, फिर मैं बनाऊँगी कचौड़ी। बहुत ही खस्ता करारी बनती है, आप भी एक बार बनाइए फिर बताइए इस तरीके से। लगा लेती हूँ इस तरह, मैं सारे कचौड़ियों को बेल लेती हूँ। नमक मैंने मिला लिया है इसमें जो आलू बटर था, और हल्का सा आटा में भी नमक मिला लिया है। इसमें डाला मैंने अजवाइन, अब मैंने जो मैंने बटर लिया था इसको भरूंगी इस तरीके से। बिल्कुल हल्के हाथों से बनाएंगे, इसमें ज़्यादा ताकत से नहीं, हल्के हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। बेलने के बाद बिल्कुल ही खस्ता बहुत अच्छी लगती है, आप चटनी के साथ खाएं, चाहे सॉस के साथ खाएं या चाय के साथ। इस तरह की मैं सारी कचौड़ियाँ बेल ली, बेलने के बाद फिर मैं निकाल लूँगी। तरह हम सारी कचौड़ियों को अपने निकाल लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है और उसमें तेल मेरा गर्म हो गया है, तो उसमें डाल देंगे कचौड़ी।